That corruption has been one of the major obstacles to economic, political, and social progress of our country. We believe that all stakeholders, such as government, citizens, and private sector, need to work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example. And the need to put in place safeguards, integrity frameworks, and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice, and we tackle instances of corruption with utmost strictness. We realize that an organization we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency, and good governance in all the aspects of our operations. We therefore pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. I congratulate and I extend my warm welcome to the officials from ECB कि आज ये जो हमारा prevention of corruption का week चल रहा है, एक हफ्ते का कल से start हो गया, तो हमारी university में भी उन्होंने आज ये awareness week के लिए एक तो ये pledge and plus थोड़ा awareness का माहौल बना, और इसके बाद हमारी एक rally है जो बच्चे कुछ हैं, हम सारे भी जाएंगे और बच्चे भी नीचे हैं, एक वी विल हैव अ राउंड कि करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सब इसके बाद आप आए नीचे। तो मैं ज़्यादा टाइम लिए बगैर, जैसे ऑलरेडी इंजीनियर साहब ने बड़ी वजाहत की फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू कि करप्शन के कैसे ये उभर आता है, मैं जस्ट वन एक एग्जाम्पल इस्तेमाल है ना ऐड करो इसमें कि एक थ्योरी है करप्शन की, हमारे सब्जेक्ट में भी थी, एक थ्योरी थी विशेष सर्कल ऑफ करप्शन, विशेष सर्कल। एक विशेष सर्कल में होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि एक फैमिली भी कभी करप्शन का आपको दरस नहीं देगी, स्कूल में भी नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं, कहीं नहीं देंगे, फिर ये आता कहाँ से? एक विशेष सर्कल ऑफ थ्योरी ऑफ करप्शन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मामूली से जो उन्होंने टच किया कि मेरा क्लर्क के पास कोई बच्चा आता है मार्क्स कार्ड के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए आता है, तो कभी कोई किसी बच्चे को जल्दी भी होती है या वो मेरा क्लर्क जो या ये लोअर लेवल है, हायर लेवल हमारे लेवल पर आता है, तो मसलन उनके पास वो कहता है ये 100 रुपये ले लो मुझे जल्दी दे दो, तो अनफॉर्चुनेटली होता है तो जाता है, और इसका एक विशेष सर्कल का क्रिएट होता है जब यही बच्चा कल गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ना, कल मुलाजिम लगेगा या कहीं हो जाएगा, तो ये बोलता है, इसको याद होता है कि मैंने फलानी जगह 100 रुपये दिया था, है ना, वो 100 रुपये कहाँ से मुझे आएगा, लेट मी बी ऑल्सो वही 100 रुपये मैं अर्न करूँगा जो मैंने उस दिन उसको दिया। जब ये 100 रुपये कमाता है इसको ये लत लग जाती है, ये इजी मनी है ना, इजी मनी इसके पास आता है, ही आल्सो फॉलोज प्रे टू द करप्शन, एंड एक विशियस सर्कल क्रिएट होता है जो बड़ी मुश्किल से कभी मुझे जैसे उन्होंने कहा कि ये कभी ब्रेक ही नहीं होता ये करप्शन का सिस्टम हमारे समाज में।
Today, I guess we are explicitly clear that we have gathered here to mark an awareness with regard to our commitment towards eradicating the menace of corruption. And I'm very thankful to all of you for giving a very positive and warm response to our presence over here. मेरे ख्याल से मदर्स लैब इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट. क्या कोई माँ अपने बच्चे को ये बोलती है कभी कि बेटा आपको बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एकेडमिशन बनना है, वट एवर प्रोफेशन. क्या उसके साथ ये कभी बोल देती है कि उसके बाद आपको पैसे कमाने हैं बाय ऑल रॉन्ग मीन्स, आपको रिश्वत लेनी है? क्या ये कभी माँ अपने बच्चे को बोल सकती है? नेवर. क्या कोई टीचर, बिकॉज सेकेंड थिंग अकर्स इन स्कूलिंग, क्या स्कूल में कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है कि आपको बड़ा होके फिर वंस यू अचीव ऑल एजुकेशन एंड नॉलेज एंड देन यू गेट अ जॉब, देन अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर जॉब यू हैव टू ऑल्सो डू द एक्टिविटीज? आई डोंट वांट टू यूज़ अ वेरी क्रूड वर्ड्स फॉर दैट. नहीं होता है ऐसा. फिर द क्वेश्चन दैट कन्फ्यूज मी, जब हम जॉब में आ जाते हैं, बिकॉज एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्मली ट्रीट्स विद द ऑफेंसेस मेड बाई द पब्लिक सर्वेंट, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये शिफ्ट कब, व्हेन डज दिस शिफ्ट एक्चुअली अकर्स, कि एक स्टूडेंट या एक ग्रेजुएट, एक पीएचडी स्कॉलर, और जब वो जॉब लेता है उसको कब ये शिफ्ट आ जाता है कि नाउ आई हैव टू अर्न मनी बाई रॉन्ग मीन्स? इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन, वेरी वेरी हम्बल ओपिनियन, मैं यहाँ काफ़ी लोगों से बहुत छोटा, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं, पीपल हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद व्हाट आई से, बट आई सी दैट के ये जो सोशल हमारा सेटअप है दैट पुशेस अस टूवर्ड सर्टन थिंग्स विच वी, हमें अपने नेचर को चेंज करना पड़ता है. हमें अपनी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ छोड़ के वी आर, हमने लिविंग स्टैंडर्ड्स अपने इतने ज़्यादा रेज कर दिए. ऑब्वियसली there is a statement from my end, I would say that if there is something disproportionate, a disproportionate thing will come from a disproportionate source. Aapko koi bhi proportionate cheez proportionate source se hi aa jayegi. So humne apne society mein, because corruption has political, social, economic and environmental consequences, usme ye social part bahut important hai. Society mein hum apne living standards bahut high raise kar diye. Ab kisi ke paas, I tell you honestly, this is a very crude thing to say, but this is what happens. We have raised our standard. हमने देखता है, हम किसी की तरफ देखते हैं कि उसके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, वो है, resources है, land है, and the lower segment जो चाहे employee होता है वो उसी को देख के अपने आप को focus कर लेता है. वो he or she is bound to have a resource जिससे वो facilitate करे achievement of those things. तो I think the social impact is very important. Ye, please ask this question to yourself. From the mother's lab to school to the university, ye kahan par actually transition start ho jata hai, jahan par hum bolte hain nahi aap mujhe paisa kamane. And second phase, I will not go to the political segment of it. You can see our neighboring countries, you can see African countries, jahan par aap dekh rahe hain ki corruption ne ek country ko destroy kiya, then politically bhi usko destroy kar diya. I don't want to name the countries. Social तो मैं अब discuss कर ही रहा हूँ. Economically, there are developed countries जहाँ पर आपको you will not believe 30-40% of the GDP goes towards the corruption. अब आप imagine कीजिए, the university gets a funding of 100 crore rupees. Can you imagine 30 crore rupees going towards the corruption? ये ऐसा आपको लगता है कि it's not possible. But this is happening. And this is happening at a very, very large extent. And अब ये 30 करोड़ का पैसा, this could have gone to the public. This is a public money for all practical reasons. So ये पैसा ही, और क्या ये पैसा job generations के लिए नहीं होता? हम अपने बच्चों के लिए और अपने कौम के लिए disasters create कर रहे हैं. I will give an example कि आपको environmental consequences क्या हैं. क्या आपको इस वक्त, give a very simple example in terms of engineering only, आपको dredging हो रही है lakes and rivers की, इट्स अ बिग माफिया जहाँ पर करप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आप अगर जहाँ पर ड्रेजिंग अलाउड नहीं है, जहाँ पर रिवर्स में से
रिवर बेड मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप करप्शन की वजह से ये अलाउ कर रहे हैं, तो इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंटल डिजास्टर। क्या बड़गाम जितने भी हमारे यहाँ पर करेवा अपलैंड साइट्स है, वहाँ पर लेफ्ट एंड राइट एक्सकेवेशन हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली जो सोर्स हो रही है, बिकॉज जो हमारे जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट है वो प्रिवेंट कर रहा है वो सब एक्टिविटी, बट दीज दोज एक्टिविटीज आर हैपनिंग। सो आई विल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो देर आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, बट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी डीप। दिस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसमें एक प्रिजम्पशन क्लास है। अगर हमने किसी के पास पैसे पकड़े तो प्रूव उसको करना है कि ये पैसे आपने कहाँ से लाए हैं, तो उस लिहाज से ये इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट, ये हार्श एक्ट है, ये किसी और एक्ट में नहीं है। नो डाउट इट कंटेन ओनली 31 सेक्शन है इसमें, तो 31 सेक्शन अगर इसमें किताबें भी लिखेंगे इट विल नॉट गेट कंक्लूडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में आती है, पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं हम, तू ये तुझो सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर अगर जनरल पब्लिक सर्वेंट बड़ी टर्म है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोटी टर्म है। इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बाहर भी कुछ लोग इस डेफिनेशन में आते हैं, जैसे नंबरदार, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट बट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। अगर गार्ड मुनिशेष मानो, he is not a government employee but he is a, agar so fair price shop pe hota hai, he is a public servant. So this act is applicable to the public servant, not only to the government employee, it's other. Jaise hamare paas aaj kal hote hain jo naye ye contracts dete hain, government contracts dete hain, pichli baar hum gaye the, dar sahab hamare saath the, dar sahab bhi investigate kar rahe the ek case, badgam gaye hain, badgam mein humne ek store wale ko humne trap kiya, he was asking money. उसने प्लीड किया कि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, वो हाई कोर्ट गया कि मैं जी पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं। तो एफसीआई का गोडाउन था, वो हर किसी गाड़ी को 5,000 रुपया लेता था। आप कहते हैं होंगे कि इमचर हटा सिर्फ 5,000 10,000, तो आई वो मोड ऑफ करप्शन किया। तेम साल दो पंचा गाड़ी बसान 50 ट्रक्स, 50 × 5 कुदा वो 2.5 लाख रुपये उसके 2 दिन की आमदनी होती थी थ्रू करप्शन। अगर हमने एक गाड़ी के थ्रू उसको पकड़ा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो जब वो हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने कहा नो, यू आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आप क्योंकि आप पब्लिक ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर, एफसीआई का काम कर रहा था वो पब्लिक ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो इसलिए आपकी आप डेफिनेशन में फिट हो जाओगे, तो यू विल कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि हमारा काम खाली गवर्नमेंट मुलाजमियों को के साथ नहीं होता है, वो उससे अलावा भी हमारा स्पेयर है। दूसरी बात है, जब हम डीए केस करते हैं हमारा ज़्यादा एक ये होता है ना एंटी करप्शन एक्ट में है कि डिसप्रोपोर्शनेट एस्टेट केस, वो मुलाजमों के या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होता है। उसमें एक जब हम फाइलें आती है हमारे पास, तो उसमें हमने एक बड़ी बात देखी है कि क्या करता है मुलाजिम, कहाँ पर गलती करता है। जब वो स्टेटमेंट अपना देता है ना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, उसमें क्या करता है वो मिसरिप्रेजेंटेशन करता है उसमें, कभी उसमें नहीं हाई नहीं वो ज़्यादा लिखता है, कभी उसके पास होता ही नहीं सोना, उसके पास होता ही नहीं, वो लिखता है मेरे पास जी 10 तोले सोना है, बीवी के जेवरात इतने हैं, फ्रिज इतने हैं, गाड़ियाँ इतनी हैं, जो उसके पास असल में होते ही नहीं। जब हम काउंट करते हैं उसको तो उसको हम इंक्लूड करते हैं, ही कैन नॉट एस्केप नाउ, ही हैज डिक्लेयर्ड हिज एसेट हिमसेल्फ। तो आप जब आ भरोगे, आपको भरना है, 31 आ रहा है आपको भरना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आपको वही भरना है जो फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर नहीं आप जा सकते हैं, क्योंकि कल इसका विजुअल हो रहा है हमारा, ये हमारे डिपार्टमेंट एक सेल है वो ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जीएडी ने बोला ये प्रॉपर्टी स्क्रूटनाइज कर लो, इनको देखो कहाँ पर आपको एम्बिग्यूटी दिखती है। तो ये नहीं ऐसे ही खाली पेपर हमने भरा, इस पर काम होता है और बहुत गहरी से होता है। इसमें एक सेक्शन भी है पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट टैक्स, सेक्शन 10 है इसमें। अब कोई कहेगा मैंने भरा ही नहीं है, मैं ये एसेट डिक्लेयर ही नहीं करूंगा। सेक्शन 10 कहता है, ये इतना हार्श एक्ट है, सेक्शन 10 कहता है अगर किसी ने नहीं भरा ये तो उसका ये ना भरना पब्लिक मिसकंडक्ट माना
मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर ये मिसकंडक्ट आ गया तो ये अंडर डेफिनेशन ऑफ 7 आएगा या पिछला 7 सेक्शन 5 कहते थे, तो इसको हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो बरुन जरूरी, मगर बरूती जो रियलिटी में है, रियलिटी से बाहर मत आप जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक मुलाजिम एक करप्शन कर सकता है वो है ब्राइब, जिससे हम सभी वाकिफ है कि हम जो आम लोगों को पता है कि कोई काम, सरकारी काम कहीं पर किसी दफ्तर में करना पड़ता है, तो वहाँ जब जाते हैं तो वो मुलाजिम जो है वो कोई बहाना करके ऑन वन प्रोटेक्स और द अदर अवॉइड करके वो उसको मोटिवेट करके वो उसे पैसा लेता है उस काम के करने में जो कि उसको मुफ्त में करना है, जिसके लिए सरकार उसको तनख्वाह देती है। तो दैट इज़ ब्राइब। करप्शन एक बहुत वास्ट टर्म है, उसमें काफ़ी टाइप की काफ़ी कस्में हैं। तो उसमें एक कस्म जो आम लोगों को जिसके साथ वास्ता पड़ता है, दैट इज़ ब्राइब, गिविंग और टेकिंग ब्राइब। बोथ आर पुनिशेबल, डिमांडिंग, इवन डिमांडिंग द ब्राइब इज़ ऑल्सो पुनिशेबल, डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग द ब्राइब इज़ पुनिशेबल। और किसी को मजबूर करना, गवर्नमेंट मुलाजिम को, कई लोगों को ये परेशानी होती है कि अगर हम सपोज़ एक लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका अपना प्रोसेस है, उसमें एक महीना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो एक महीना दो महीना क्यू में आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो लोगों ने अब छोटा एक शॉर्टकट निकाला है कि हम पैसे दे के 5 दिन में या 10 दिन में काम कराएंगे। तो वो लोग भी कभी मजबूर करते हैं एक पब्लिक सर्वेंट को पैसा लेने से, और ताकि वो काम उनका जल्दी हो जाएगा, टू एक्सपेडाइट देयर वर्क, एक्चुअली दे पे ब्राइब। तो एक तो हो गई है, दूसरा अब हर एक मुलाजिम तो ब्राइब, क्योंकि करप्शन जो है, आई थिंक जब से ये सोसाइटी बनी है तो करप्शन चल ही रहा है। तो पुराना एक, आप तो सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं यहाँ, पढ़े लिखे हैं, तो कौटिल्य एक 300 BC में उसने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, उसमें 8th chapter में उसने डिस्क्राइब किया है करप्शन। और उसने क्या किया, उसने 40 modes ऑफ करप्शन बताए हैं कि एक आदमी कैसे एम्बेजलमेंट कर सकता है, सरकारी फंड्स खा सकता है। तो उसने 40 उसमें दिए। उसमें उसने एक वर्ड लिखा है कि अगर एक आदमी के जो उसकी ज़ुबान है उस पर शहद डाला जाए, मीठा शहद डाला जाए, तो वो आदमी ज़रूर उसका टेस्ट करेगा। तो सरकारी मुलाजिम इसी तरह है। और उसने दूसरी मिसाल भी दी है कि एक मछली को अगर हम पानी में डालेंगे वो कितना पानी पी रही है, हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक मुलाजिम जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है, उसके पास पैसा होता है सरकार का खर्च करने के लिए, तो वो उसके पास रहता है, तो उसको एक लालच आती है दिमाग में कि मैं ये टेस्ट करूं। जिस तरह वो आदमी शहद की टेस्ट करता है या मछली पानी का टेस्ट करती है, तो वो बोलता है मैं भी इसका टेस्ट करूं, और उसमें वो फंस जाता है ब्राइब, वाइल डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक मुलाजिम जो है वो पकड़ा जाए, कोई चालाक किसी भी करता है, या कोई कोल्यूजिव ब्राइबरी भी होती है कि आदमी को अपना काम निकलता है वो क्यों शिकायत करे, क्योंकि उसका काम उसने जल्दी में कर दिया, आउट ऑफ टर्न कर दिया, तो उसके बाद वो उस पैसे का क्या करेगा, ही विल रेज द एसेट्स, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, वो कहीं जाके जम्मू दिल्ली किसी मेट्रो सिटी में मकान बनाएगा, या काम ही करप्शन किया है तो फ्लैट ले लेगा। तो बाद में ACB का एक और कस्म जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स उसके, कि अगर वो ब्राइब लेते टाइम पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब उसने ब्राइब से पैसे, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उससे पैसे बनाए उसने, तो उसके बाद उसने रेज किए, तो वो भी हम करते हैं। तीसरा होता है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है तो उसके बाद वो पैसा ट्रांसफ़र करती है एक DDO को कि आप ये स्कीम इम्प्लीमेंट कीजिए। सपोज़ कहीं पर मकान बनाने हैं लोगों के, IAY में कोई और काम करना है, तो वो उसको पैसे देते हैं और वो पैसों का एम्बेजलमेंट करता है, दैट इज़ अदर सॉर्ट ऑफ करप्शन, वो भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तीसरा होता है कि अगर हम रेवेन्यू ऑफिशियल के पास सपोज़ जाए तो उसको बताएंगे हमें रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो बहाने करेगा नहीं जी ये आपका लैंड नहीं है, इसमें आपकी एंट्री नहीं है, अच्छा इसमें ये सरकारी लैंड है ये आपका नहीं है, अच्छा हमारे यहाँ पर है, हालांकि हमारी उर्दू लैंग्वेज है लेकिन मोस्टली
जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमने उर्दू पढ़ा ही नहीं, तो वो हमें कागज़ दिखाता है, हमें समझ भी नहीं आता, और वो लिखते जो हैं तो वो तो वही पढ़ सकते हैं पटवारी, वो हम नहीं पढ़ सकते। तो वो बताता है कि नहीं जी इसमें नहीं हो सकता, फिर हम उसको पैसा देते हैं या वो पैसे मांगता है या हम ही मजबूर करते हैं, तो वो उस टाइम फिर वो सरकार का जितना भी वो बोलता है कि सरकारी लैंड है इसका नहीं हो सकता है, फिर सारे वो ताक्षे पे रख के वो सारे वो हमें दे देता है कागज़। ये मतलब ये करप्शन भी हम जो एक्सप्रैड करते हैं या जो मजबूर करते हैं, इस टाइप की करप्शन भी है, नंबर वन। नंबर टू, अब हम बताएंगे कि अब मैंने पटवारी का नाम लिया, अब मैंने लाइसेंस का बताया, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही दो डिपार्टमेंट करप्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, अब बिकॉज आवर पेरेंट डिपार्टमेंट इज पुलिस डिपार्टमेंट, अगर हम देखेंगे हमने पिछले साल में जितने भी केसेस किए हैं ACB में रजिस्टर, तो आई थिंक वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र व ख्यालात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं यारो तो हालात बदल सकते हैं। Distinguished guests, esteemed officials from the University of Kashmir and Anti-Corruption Bureau, Government of Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a warm welcome to all of you to this significant occasion as we gather to observe Vigilance Awareness Week 2023. Ladies and gentlemen, this event is being organized by the Departmental Vigilance Office, University of Kashmir, in association with the Anti-Corruption Bureau, Government of Jammu and Kashmir. And we are honored to have esteemed officers with us today. And let us begin by extending a warm welcome to them. Please join me in welcoming our special guests and officials from the University of Kashmir and Anti-Corruption Bureau. Ladies and gentlemen, with a big round of applause.